और अभी मंदिर साइड से किन चौहान योगी इस मैटर डिफरेंस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपेट डिफरेंस पार्टिसिपेट में स्टूडेंट बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पार्टिसिपेट से रिलेटेड साइड और सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पार्टिसिपेट से रिलेटेड कोई भी डाउट बचेगा नहीं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस पार्टिसिपेट, अब इसे हम समझते हैं। पार्टिसिपेट मैं आपको बताना चाहूंगा ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला हमारा हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपेट, सेकंड हमारा हो जाता है पास्ट पार्टिसिपेट, एंड थर्ड हमारा हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपेट। ठीक, ये हमारे तीन पार्टिसिपेट्स हो जाते हैं जो कि हैं इनके कैटेगरीज। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम तीनों पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही डिटेल्ड समझने वाले हैं इनके स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए समझते हैं अपने प्रेजेंट पार्टिसिपेंट को, डिफरेंट समझते हैं अपने प्रेजेंट पार्टिसिपेंट को। यहाँ पर देखिए बहुत ही तेजी से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमें अभी प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों पार्टिसिपेंट्स को और फिर तीनों के बीच डिफरेंसेस को देखना है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपेंट की पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में करता हुआ, वाला, पढ़ते पढ़ते या घूमते समय या भी कोई भी काम करते समय ये पहचान के रूप में लगे रहते हैं। और जो हम इन्हें बनाते हैं ठीक है, तो इनके लिए हैं हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए शोर सुनकर मैं बाहर आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कर लगा हुआ है, कर। ठीक, मैं बाहर आया। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसके लिए टेंसेस आना चाहिए ठीक है। तो बेसिकली आपने अगर टेंसेस की वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल को विजिट करके पहले टेंसेस की वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैं टेंसेस तो बताने वाला नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर बता सकता हूँ ये कौन से टेंस का सेंटेंस है राइट। तो अगर आपने टेंसेस की वीडियोस नहीं देखे तो पहले टेंसेस की वीडियोस को देखिए, देन आपके माइंड में अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए शोर सुनकर मैं बाहर आया, तो कर लगा हुआ है ना। अब इससे ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपेट। इसे हम बनाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके, यानी शोर सुनकर, तो हियरिंग, अब क्या सुनकर, शोर द नॉइज। ठीक, यहां पर हम कॉमा लगा देंगे, अब मैं बाहर आया, ये हमारा क्या है, पास्ट इनफेक्ट। इतने पूरे सेंटेंस को बना देंगे, कौन, मैं, केम, बाहर का क्या हो जाएगा, आउट, मैं बाहर आया, यानी हियरिंग द नॉइज, यानी शोर को सुनकर, आई केम आउट, मैं बाहर आया। सेकंड सेंटेंस, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद आता है, तो यहाँ पर देखिए ता लगा हुआ है, ता हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपेट हुआ। तो इसे हम पहले बनाएंगे, यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो मुस्कुराता हुआ चेहरा यानी मुस्कुराना का क्या हो जाएगा, स्माइल, इसमें जुड़ गया स्माइलिंग। ठीक, अब चेहरा यानी फेस, क्लियर, तो स्माइलिंग फेस अब सबको पसंद आता है, यानी इज लाइक बाय ऑल। ठीक, यानी स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, इज लाइक बाय ऑल, सभी के सबको पसंद आता है। थर्ड सेंटेंस, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं, कभी कभी ही काटते हैं, तो वाला, वाली, वाले लगा हुआ है। ठीक है, घूमने वाला आदमी हमेशा खाली बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी ही काटते हैं, तो कौन काटते हैं भैया, भौंकने वाले कुत्ते, तो यहाँ पर देखिए वाला लगा हुआ है, यानी भौंकने वाले, इतना हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपेट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम पार्टिसिपेट, यानी वॉकिंग डॉग्स, यानी भौंकने वाले कुत्ते, ये हमारा इतना हो गया। अब कभी कभी ही काटते हैं, तो कभी कभार या कभी कभी का मीनिंग हो जाता है सेल्डम। ठीक, तो बार्किंग डॉग सेल्डम, काटना का क्या हो जाएगा, बाइट यानी काटना, तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, कभी कभी ही काटते हैं। तो डिफरेंट ये तीन सेंटेंसेस हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपेट के, जिसमें हमने देखा कि हमारे पहचान के रूप में कर लगा हुआ था, ठीक, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपेट हो गया, हुआ लगा हुआ है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपेट हो गया, और वाला लगा हुआ ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपेट हो गया। तो अगर इंग्लिश सेंटेंस में हमें ढूंढने को कहा जाए तो हियरिंग ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपेट, स्माइलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपेट, और बाकी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपेट हो गया। ठीक है, आइए जो हमारे अदर कुछ वर्ड्स लगे हुए हैं पहचान के रूप में, इनके सेंटेंसेस को भी बनाकर अच्छे से समझ लेते हैं। डिफरेंट आइए समझते हैं फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल्स को। यहां पर देखिए पढ़ते पढ़ते बस हो गया, तो पढ़ते पढ़ते बस हो गया, ठीक है, तो पढ़ते समय बात हो गया, ये दो काम एक साथ हुआ। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपेट का प्रयोग करेंगे, यानी रीडिंग, लेकिन उससे पहले हम लगाएंगे क्या, व्हाइल, तो व्हाइल रीडिंग। ठीक है, या पढ़ते समय बस हो गया, कॉमा लगाएंगे, यहां पर कौन सा हो गया, वाह, यानी ही सिलेक्ट, यानी सेकंड फॉर्म, व्हाइल रीडिंग ही सिलेक्ट राइट, सेकंड बाद में खेलते समय वह गिर पड़ा। अब
खेलते समय वह गिर पड़ा, यानी दो काम एक साथ हो रहा है, घूमते समय, पढ़ते समय, टहलते समय, खेलते समय, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बाद में खेलते समय वह गिर पड़ा, कौन गिर पड़ा, वह, ठीक। तो खेलते समय यानी व्हाइल लगाएंगे हम यहाँ पर, जब दो काम एक साथ होगा, यानी व्हाइल प्लेइंग, कहाँ पर खेलते समय, बाग में, इन द गार्डन, इतना बन गया हमारा। अब वह गिर पड़ा एक सेंटेंस कॉमा से सेपरेट किया हमने, यानी व्हाइल प्लेइंग इन द गार्डन वह गिर पड़ा, यानी ही फेल डाउन, हमारा पास्ट इनफिनिटिव टेंस का सेंटेंस है, ठीक। तो व्हाइल प्लेइंग इन द गार्डन ही फेल डाउन, वह गिर पड़ा। तो डिफरेंट, जैसा कि आप लोगों ने देखा, कर लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, वाला लगे हुए हैं, पढ़ते पढ़ते लगा हुआ है, घूमते समय लगा हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस आपको मिले, ठीक है। तो आप समझते ये कहते हैं किसी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और अच्छे से आप लोग वर्ब की एनर्जी फॉर्म का प्रयोग करके ट्रांसलेट करेंगे। आइए समझते हैं आप अपने पास्ट पार्टिसिपल को बहुत अच्छे से। डिफरेंट समझते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल को। यहाँ पर देखिएगा पास्ट पार्टिसिपल, पहले से पहचान को समझते हैं, हुआ, हुए या फिर हुई लगा रहता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ, मैंने एक जला हुआ मकान देखा, हारे हुए सैनिक वापस आ गए, वो अपने थके हुए कदमों से और न चल सका, तो हुए लगे हुए हैं या फिर हुई लगी हुई या फिर हुआ लगा हुआ है, तो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है। ये क्या दर्शा रहा है कि कोई एक कार्य है वो समाप्त तो हो चुका है, और इसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल के लिए। जैसे मैंने एक जला हुआ मकान देखा, तो ये क्या है, पास्ट इनफिनिटिव टेंस है। किसने देखा, मैंने, यानी आई। अब देखा, ये हम लिखेंगे वर्ब आई सॉ। अब क्या देखा, एक जला हुआ मकान, तो एक जला हुआ मकान ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो आई सॉ अ ब्रंट, यानी थर्ड फॉर्म, आई सॉ अ ब्रंट हाउस, मैंने एक जला हुआ मकान देखा, हारे हुए सैनिक वापस आ गए, कौन आ गए, हारे हुए सैनिक, ठीक। तो हारे हुए सबसे पहले लिखेंगे हम डिफीटेड सोल्जर्स, यानी हारे हुए सैनिक। अब वापस आ गए, यानी कैम बैक, यानी वापस आ गए हमारा पास्ट इनफिनिटिव टेंस। थर्ड, वह अपने थके हुए कदमों से और ना चल सका, कौन ना चल सका, वह, यानी ही। अब सका लगा हुआ, यानी कुड नॉट, तो ही कुड नॉट वॉक। अब और ना, यानी एनी मोर, यानी और ज्यादा। तो he could not walk anymore, यानी वह और ज्यादा न चल सका, किससे, अपने थके हुए कदमों से, ठीक, यानी with his। अब यहाँ पर देखिए, थके हुए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है past participle, तो हमने लगाया यहाँ पर tired steps, right। तो वह अपने थके हुए कदमों से और न चल सका, ही कुड नॉट वॉक एनी मोर, वह और न चल सका, विथ हिज टायर्ड स्टेप्स, यानी अपने थके हुए कदमों से। तो डिफरेंट मैंने आपको बताया कि जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसकी पहचान में हुआ, हुए या फिर हुई लगाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर मैं इंग्लिश के, यानी जो हमारा सेंटेंस है इसमें ढूंढने के लिए कहूँ, तो जहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हो, वही हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, डिफीटेड पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर देखिए टायर्ड, हमारा पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। अब आइए अपन लोग समझ लेते हैं कि अपने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं तीनों के बीच डिफरेंसेस को। ये समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को। यहाँ पर देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है, कर, करके या फिर करने के बाद जुड़ा रहता है। जैसे देखिए, वहाँ पत्र लिखने के बाद, तो के बाद लिखा हुआ है, ठीक है, उसने इसे डाल में डाल दिया। सेकेंड सेकेंड, खाना खाने के बाद, तो कोई एक काम करने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वह स्कूल चला गया, काम समाप्त करके बस हो गया, यानी करके लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक काम कंप्लीट हुआ, दूसरा काम उसके बाद शुरू हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आइए करते हैं ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए पहले लिखते हैं हैविंग, फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पत्र लिखने के बाद उसने इसे डाक में डाल दिया, किसने डाल दिया, उसने इसे डाक में डाल दिया, ये एक हमारा इधर हो गया, और पत्र लिखने के बाद यहाँ हम इसे कॉमा से सेपरेट कर लेते हैं। तो पहले हम इसे बना लेंगे, फिर इसे अपने टेंस के अकॉर्डिंग बना लेंगे, क्योंकि टेंस हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। तो पत्र लिखने के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग नहीं करने वाले हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये हमारा है, तो हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। तो पत्र लिखने के बाद, तो हैविंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना का क्या हो जाएगा, राइट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटर्न। तो हैविंग रिटर्न, अब क्या, पत्र, आ लेटर,
कॉमा लगा है। अब उसने इसे डाक में डाल दिया, ये हमारा 5 मिनट का 10th का सेंटेंस किसने डाल दिया, उसने, यानी ही सब्जेक्ट हो गया। अब डाक में डालना सेकंड फॉर्म हो जाएगा पोस्ट ईटी पोस्टेड, यानी ही पोस्टेड इट, क्या लेटर ना, तो लेटर के लिए हमने इट का प्रयोग किया है, यानी ही पोस्टेड इट। अब कहाँ डाल दिया, डाक में, तो पोस्टेड लेटर हो गया डाक में डालना, तो ही पोस्टेड इट। सेकंड सेंटेंस खाना खाने के बाद वह स्कूल चला गया, कॉमा से सेपरेट कर लीजिए, खाना खाने के बाद इधर स्कूल चला गया, तो खाना खाने के बाद यानी हैविंग अब ईटन फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमने किया है, आपका लगाया कॉमा, तो हैविंग ईटन, यानी ये हमारा क्या हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग ईटन। अब इसका ऑब्जेक्ट लिखा हमने फूड, अब वह स्कूल चला गया, कौन हुआ हमारा सब्जेक्ट हो गया, यानी ही वेंट हमारा वर्ब हो गया, और ही वेंट टू स्कूल, राइट, ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड, काम समाप्त करके वह सो गया, कौन सो गया, काम समाप्त करके वह सो गया, इसे सेपरेट कर लीजिए, काम समाप्त करके यानी हैविंग, ठीक, फिनिश्ड द वर्क, ठीक, कॉमन गई, वह सो गया, कौन सो गया, वह यानी ही सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हमारा सिलेक्ट, ये वह सो गया, तो हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही सिलेक्ट। अब इसमें मैं आपको कहूँ कि ढूंढ कर मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ आपका परफेक्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है, तो हैविंग रिटन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, हैविंग रिटन आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, हैविंग फिनिश्ड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल हुआ, ठीक है। तो हमने पहले परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा, फिर इसके ऑब्जेक्ट को लिखा, परफेक्ट पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट को लिखा, फिर कॉमा से सेपरेट कर लिया, जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो जिस भी टेंस में हमारा होगा उस टेंस में हमसे बना देंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को। यहाँ पर हमने देखा कि हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर का प्रयोग किया था, जैसे सांप को देखकर वह डर गया, ठीक, और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर का प्रयोग करते हैं। तो आइए इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स आइए हम समझ लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बीच डिफरेंस को। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर, आपने देखा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी कर लगा होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर लगा होता है पहचान के रूप में, ठीक है। जैसे देखिए शोर सुनकर मैं भीड़ की ओर गया, मेला देखकर हमने एक होटल में खाना खाया, तो दोनों में भी क्या लगा हुआ है, कर लगा हुआ है, ठीक। यानी ये दो सेंटेंसेस हमारे, एक सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एंड सेकेंड हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल का। कमेंट करके आप बताइए कि हमारा कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल का है, कौन सा परफेक्ट पार्टिसिपल का। अब आइए इसे पहचानने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि दोनों तो समान ही लग रहे हैं, ठीक है। शोर सुनकर मैं भीड़ की ओर गया, शोर सुना, जैसे मान लीजिए मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई शोर हुआ, ठीक, लड़ाई झगड़ा कहीं पर होने लगा, तो शोर सुनकर मैं यहाँ से गया भीड़ की ओर, तो क्या हो रहा है, शोर तो चालू है ना, और मैं भी भीड़ की तरफ जा रहा हूँ, यानी दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन अगर मैं कहूँ मेला देखकर हमने एक होटल में खाना खाया, मान लीजिए हम लोग साथ में जा रहे हैं भाई, गए मेला देखे, ठीक, अब मेला देखकर आए कुछ दूर, तब एक होटल में खाना खाया, या जैसे मेला देखे तुरंत खाना खाने बढ़ गए, नहीं ना, पहले मेला देखने का काम समाप्त हो चुका है, फिर हमने खाना खाया है होटल में। यानी एक काम जो हमारा ये है मेला देखना, ये समाप्त हुआ तब ये काम शुरू हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, शोर सुनकर मैं भीड़ की ओर गया, यानी यहाँ पर देखिए कोई खड़ा हुआ है और यहाँ पर भीड़ हो रहा है, ठीक, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पर शोर हो रहा है, तो ये शोर सुनकर भीड़ की ओर गया, यानी शोर अभी जारी है, यानी ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो जब साथ साथ हो तो हमारा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जब एक कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य चालू हो तब हमारा होगा पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। आइए इसे समझते हैं। देखिए शोर सुनकर मैं भीड़ की ओर गया, तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, इसे बनाएंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट, शोर सुनकर यानी हियरिंग द नॉइज, कॉमा से हमने सेपरेट किया, मैं भीड़ की ओर गया, हमारा 5 मिनट 10th का सेंटेंस है, आई भीड़ की ओर गया यानी वेंट टुवर्ड्स यानी की ओर द क्राउड, ठीक, यानी हैविंग द नॉइज यानी हियरिंग द नॉइज यानी आवाज को सुनकर आई वेंट टुवर्ड्स द क्राउड, मैं भीड़ की ओर गया।
लेकिन सेकंड सेंटेंस मेला देख कर हमने एक होटल में खाना खाया, पहले हम लोगों ने मेला देखा है ठीक, उसके बाद खाना खाया है, ये काम समाप्त हुआ तब ये काम शुरू हुआ, यानी यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपेंट का। तो यहाँ पर हम बनाएंगे हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग। अब मेला देखने का क्या हो जाएगा, विजिटेड, तो हैविंग विजिटेड द फेयर, कॉमा से सेपरेट किया, हमने एक होटल में खाना खाया, किसने खाया, हमने सब्जेक्ट हुआ हमारा यानी बी, अब खाया सेकंड फॉर्म यानी बी टुक फूड इन अ होटल। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि अगर कोई कार्य ठीक एक कार्य समाप्त हो तुरंत कोई कार्य शुरू हो गया या फिर दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं तब तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, लेकिन जब एक कार्य समाप्त हुआ उसके थोड़ी देर बाद कुछ अंतराल बाद दूसरा कार्य शुरू होता है तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा डिफरेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड, कोई भी आपको भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आपके पास किताब होगी, किताब में बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, उन्हें आप लोग ट्रांसलेट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके ठीक है। कुछ दिन आपकी क्लासेस जरूर चलने वाली है, उसके बाद में आपका पैसेज की क्लास होगी जिसमें आपके पैसेज के अच्छे से ट्रांसलेशन करवाए जाएंगे, फिर आपका कोर्स शुरू होगा ठीक। तो डिफरेंस अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करें तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों की क्लासेस कंटिन्यू होने वाली है, 9th, 10th, 11th, 12th जिस भी क्लास के हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डिफरेंस मिलेंगे कल सुबह 6 बजे एक नए वीडियो के साथ।